हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा थिक सिलेंडर के बारे में। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, थिक सिलेंडर से ही है, जिसका एक रिलेशन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियल प्रेशर एंड हुप स्ट्रेस फॉर अ थिक सिलेंडर, या इसे हम कह सकते हैं ड्राइव द थ्योरी ऑफ लैम्स इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, क्या है हमारे पास, एक मैं डायग्राम लेता हूँ। ये देखिए, हमारे पास स्ट्रिप लगा हुआ है। तो स्ट्रिप में जो चेंजेस आ रहे हैं, सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर है, और ये डी आर जो है, ये हमारे पास है थिकनेस, डी आर है हमारे पास थिकनेस, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये पी वन है हमारे पास, ये हमारे पास पी वन क्या है, इंटरनल प्रेशर है, या इनर प्रेशर भी कह सकते हैं। और हमारे पास जो पी टू है, ये प्रेशर ऑन द आउटर सरफेस का है। तो ये हमारे पास ये स्ट्रिप है, मैंने अलग बना रखी है, देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद एक चीज़ इसके अंदर है, एक इसके अंदर हम यूज करते हैं सिग्मा सी ई एल, और एक आता है हमारे पास सिग्मा आर। सिग्मा सी क्या है हमारे पास, होप स्ट्रेस, और सिग्मा एल क्या है, लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेस। उसके बाद सिग्मा आर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रेडियल स्ट्रेस है। थिक सिलेंडर के अंदर फ्रेंड्स क्या होगा हमारे पास, ये जो सिग्मा, ये जो हमारे पास ई एल होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ई एल जो होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये क्या होता है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्यों होगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारे पास ये फिगर है। तो इसके अंदर क्या है, अगर हम इसके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है इसके अंदर हमारे पास, सरकमफ्रेंस जो होगा इसके डायमीटर में चेंज तो आएगा, बट जो है लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस करके हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है आगे। तो हमारे पास एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला है, ये हमने पिछले में पढ़ा था थिन सिलेंडर में, वो क्या होता है, सिग्मा एल बाय ई माइनस का म्यू सिग्मा सी अपॉन में ई। उसके बाद म्यू आएगा हमारे पास सिग्मा आर, उसके बाद आएगा हमारे पास ई, ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर क्या है, अब मैं कुछ टर्म्स के बारे में बात करता हूँ, जैसे ये क्या चीज़ है, डी आर क्या है, आर वन क्या है। इसके अंदर लिखता हूँ मैं सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर क्या चीज़ है, एक्सटर्नल, ये हमारे पास है एक्सटर्नल रेडियस स्ट्रेस, एक्सटर्नल रेडियल, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेडियल स्ट्रेस, या इसे हम कह सकते हैं प्रेशर। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा, जो इसके अंदर टर्म यूज हो रहा है, ये सिग्मा आर है, ये होता है हमारे पास इंटरनल रेडियल स्ट्रेस। उसके बाद, या इसे हम प्रेशर भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पी वन, ये होता है प्रेशर ऑन इनर सरफेस, ये क्या है हमारे पास, प्रेशर ऑन अ इनर सरफेस। पी टू होता है, ये क्या होता है हमारे पास, प्रेशर ऑन आउटर सरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक, ये होता है हमारे पास आर वन, एक आर वन क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास इनर रेडियस। आर टू क्या होता है हमारे पास, एक्सटर्नल रेडियस। तो ये सारी टर्म जो है हम इसको यूज करेंगे इसके अंदर। तो हम इसी पे आ जाते हैं, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है इसी को देखते हैं हम दोबारा से, अगर इसे हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं हल्का सा। तो इसे क्या होता है हमारे पास, ये आएगा ई एल इज इक्वल टू सिग्मा एल बाय ई माइनस सिग्मा सी ई सी बाय ई, और क्या होगा ये, प्लस का म्यू सिग्मा, प्लस का म्यू, उसके बाद सिग्मा आर बाई ई।
सो फ्रेंड्स, एक गलती हो गई थी, ये ठीक कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ भी ये स्ट्रेन आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये होता है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या है, जो सिग्मा आर होगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा, ठीक है कंप्रेसिव नेचर का होगा, मतलब कि जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का, ध्यान रख। अब इसमें देखते हैं, पुट करते हैं माइनस का, सिग्मा आर की जगह माइनस रखते हैं हम, या ई एल इज इक्वल टू सिग्मा एल बाय ई म्यू सिग्मा सी ई। उसके बाद ये देखिए, सिग्मा आर की जगह अगर माइनस रखते हैं तो ये माइनस, ये बाहर ये माइनस, ये मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ लगा दिया हमने प्लस, ये आ गया हमारे पास सिग्मा आर बाय ई, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम थोड़ा इसको ना क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्या आएगा ई एल माइनस सिग्मा एल बाय ई इज इक्वल टू म्यू अपॉन में ई आएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास ये, यहाँ बन जाएगा हमारे पास सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर, ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉमन लेके बन गया यहाँ पे। इसको क्या करा हमने, इधर ले आए, ये माइनस का हो गया, इधर ये म्यू, ये कॉमन आ गया, कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर। तो इसके बाद क्या करना आपने, इसमें ना ये जो टर्म दिख रही है ये वाली, ये क्या हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म है, क्योंकि हमें पता है पहले ही कि सिग्मा ई एल जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या, इसके अंदर कॉन्स्टेंट है। तो इस कारण जो होगा ये हमारा, ये भी कॉन्स्टेंट होगा, मतलब कि ये भी पूरा कॉन्स्टेंट होगा, ये भी कॉन्स्टेंट। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉन्स्टेंट की जगह क्या लिखते हैं हम, एक वैल्यू लिखते हैं जिसका है 2a, ठीक है, इसकी जगह 2a पुट करेंगे। तो 2a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, सिग्मा c माइनस सिग्मा r, ठीक है जी। उसके बाद सिग्मा c माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 2a, ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, इसका नाम दे दिया हमने 1, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास वर्सिटिंग फोर्स, जो होता है इक्वल टू होता है हमारे पास रेजिस्टिंग फोर्स के, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपने, वर्सिटिंग फोर्स इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स, तो फ्रॉम द थिन सिलेंडर से ये इक्वेशन बनाएंगे हम एक, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास पी डी एल इज इक्वल टू सिग्मा सी मल्टीप्लाई टू एल मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा टी, ये होता है हमारे पास इक्वेशन। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए, इसका देखते हैं एरिया क्या होगा, एरिया होगा डी इंटू एल। अगर इसका देखते हैं हम एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा टू एल इंटू टी, ठीक है, इन दो का एरिया हो गया। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, डी एल की जगह ए लिख देते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा पी इंटू ए, इधर आ जाएगा सिग्मा सी इंटू ए, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब क्या करना, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसके अंदर, ये सिग्मा आर की जगह जो है ये देखे पहले, इसकी जगह हम क्या, पी की जगह क्या आ जाएगा हमारा इसके अंदर सिग्मा आर, ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई में एरिया अब लेंगे हम टू आर एल, ठीक है, एरिया अब चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ये माइनस, ये हम इधर ले आए ना, ये ऐसा हो गया पी इंटू ए मल्टीप्लाई सिग्मा सी इंटू ए, ठीक है, अब इसके हिसाब से चलने हम। अब सिग्मा सी की जगह क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा आर, सिग्मा सी की जगह हम लिखेंगे सिग्मा आर प्लस डी डी सिग्मा आर, ये क्या है हमारे पास डी सिग्मा आर। उसके बाद ये ब्रेकेट बंद कर देते हैं हम इसका, माइनस का। अब ये देखिए यहाँ पे ये था टू, टू को ऐसे ही लिखा, थिकनेस क्या हो जाएगी हमारे पास इसमें आर प्लस डी आर, थिकनेस की जगह हम क्या लिखते हैं आर प्लस डी आर, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास एल,
ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई में, क्या है हमारे पास एल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा सी की वैल्यू आएगी एक, वो क्या होगा माइनस का सिग्मा आर माइनस का आर डी सिग्मा आर अपॉन में डी आर, ये आ जाएगी हमारे पास एक इक्वेशन। इसे सॉल्व करने आप फ्रॉम सॉल्विंग, इसे सॉल्व करा हमने, सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आ गई, इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन टू। अब फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था हमारे पास, था सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर इक्वल टू टू ए। अब ये देखिए सिग्मा सी है, अगर हम सिग्मा सी यहाँ से निकाल लें क्या बन जाएगा हमारे पास, टू ए प्लस सिग्मा आर, ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद या अब इसको उठा के ना यहाँ पुट करते हैं इसमें, तो क्या बन गया हमारे पास, टू ए प्लस सिग्मा आर इक्वल टू माइनस सिग्मा आर माइनस आर डी सिग्मा आर अपॉन में डी आर। ठीक है, उसके बाद टू ए प्लस सिग्मा आर, ये इधर ये माइनस का सिग्मा आ रहा है, इधर ले आएंगे हो जाएगा प्लस का, ये बन गया हमारे पास आर डी सिग्मा आर, ये हो गया हमारे पास टू ए प्लस टू सिग्मा आर इक्वल टू माइनस आर डी सिग्मा आर अपॉन में क्या आ जाएगा डी आर। अब यहाँ से हम टू कॉमन लेते हैं, ये क्या बन गया ए प्लस सिग्मा आर इक्वल टू माइनस आर डी सिग्मा आर अपॉन में क्या आ जाएगा डी आर। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसका क्या करना, हमने इंटीग्रेशन करना है। अब लिखें इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसका करना हमने इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं एक बारी, क्या आया था हमारे पास टू ए प्लस सिग्मा आर इक्वल टू माइनस आर डी सिग्मा आर अपॉन में डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, क्या आएगा डी सिग्मा आर ए प्लस सिग्मा आर, उसके बाद इसका करेंगे। अब इसमें क्या करा हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया हमारे पास। ठीक है, अब ये फिर करने के बाद ये आ गया हमारे पास माइनस टू डी आर अपॉन में डी आर। अब क्या करेंगे हमें, अब इसमें देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करते क्या आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा लोग ए प्लस सिग्मा आर, इधर बन जाएगा हमारे पास माइनस टू, ये बन जाएगा हमारे पास लोग आर प्लस ये लोग भी आएगा, इसे हमने कॉन्स्टेंट माना है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, लोग ए प्लस सिग्मा आर इजक्वल टू लोग आर की पावर माइनस टू, मैं बताता हूँ कैसे आया, रुक जाओ, लोग बी ये कैसे आया, ये देखिए ये हमारे पास है माइनस टू लोग आर। ठीक है, अब इससे हम कंपेयर करते हैं एक फॉर्मूले से, एन लोग एम, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे आगे हमने क्या करा, इसका अगेन एक फॉर्मूला बन जाता है लोग एम की पावर में एन। तो एम देखिए, एम हो गया हमारे पास आर, ठीक है, एन क्या हो गया हमारे पास, ये एन क्या हो गया माइनस का टू, ये पुट कर दिया, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद क्या करा हमने, लोग लोग ए प्लस सिग्मा आर इक्वल टू लोग, ये ऊपर माइनस में था इसे नीचे ले आया, क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस लोग भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, लोग ए प्लस सिग्मा आर लोग ए प्लस सिग्मा आर इक्वल टू लोग लोग, उसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास लोग इंटू वन बाई आर स्क्वायर इंटू बी। यहाँ हमने लगा दिया लोग एम प्लस लोग एन का फॉर्मूला, ये क्या होता है लोग एम प्लस लोग एन का, ये बन जाएगा हमारे पास लोग एम मल्टीप्लाई में एन, यहाँ लगाया है। इसके बाद ये आ गया हमारे पास सोल्व करने के बाद, ठीक है ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम लिखते हैं आगे, लोग ए प्लस सिग्मा आर इजक्वल टू लोग बी अपॉन में आर,
उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग ए प्लस सिग्मा आर इक्वल टू, ये माइनस में ले आते हैं, इधर ले आते हैं इसे, लॉग बी अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग ई ए प्लस सिग्मा आर, अब अपॉन में ले आएंगे इसे, बी अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए क्या बनेगा, अगर अब हमें पता है, अगर अगर हम लॉग को क्या करते हैं, इस साइड भेजते हैं, लॉग को इस साइड भेजेंगे क्या बन जाएगा, ई की पावर में आ जाएगा। अब हमें पता है ई की पावर जीरो क्या होता है, वन, ठीक है। ई की मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ये आ जाएगा हमारे पास, ये लिखता हूँ देखो, ए प्लस सिग्मा आर अपोन में आएगा हमारे पास बी आर स्क्वायर, यहाँ जाएगा क्या बन जाएगा हमारा, ए की पावर जीरो में, ठीक है। ए प्लस सिग्मा आर अपोन में बी, ये हो गया हमारे पास वन, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ जाए, ए प्लस सिग्मा आर इक्वल टू बी अपोन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना, हमने यहाँ सिग्मा आर निकालना है, ये हो जाएगा हमारे पास बी अपोन में स्क्वायर आर का स्क्वायर माइनस का ए, ये आ गया, ठीक है। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या था हमारे पास, ये था इक्वेशन वन हमारे पास कहाँ गया, ये रहा इक्वेशन वन, सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर, सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर इक्वल टू टू ए था। अब सिग्मा आर हमें पता है, सिग्मा आर की वैल्यू हमारे पास, तो हमने निकालना सिग्मा सी है, ये बन जाएगा सिग्मा आर प्लस टू ए, तो सिग्मा सी, उसके बाद सिग्मा आर की वैल्यू ये रही उठ, ये यहाँ पुट कर देंगे लाके, ये क्या बन जाएगा, बी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का ए, उसके बाद प्लस का टू ए, ठीक है जी। सोल्व करेंगे, सिग्मा सी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी आर का स्क्वायर प्लस ए, ये बन गया। तो ये जो है हमारे पास, आगे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, इक्वेशन थ्री एंड फोर आल्सो नोन एज लैम्स इक्वेशन, लैम्स इक्वेशन, ठीक है जी। उसके बाद ये ध्यान रखना, इस दो फॉर्मूले का हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हमारे पास इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज है, बी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए, एक तो ये, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, ये कौन सा आया था हमारे पास, सिग्मा सी आर स्क्वायर, ये आएगा प्लस का एक, ये दो फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज है। अब मैं बता देता हूँ क्या होगा, सिग्मा सी क्या होगा, इसमें हमारा सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, उसके बाद सिग्मा आर क्या होगा हमारे पास, इंटरनल रेडियल स्ट्रेस, या इसे हम कह सकते हैं प्रेशर। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, तो आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स, एक बार ही हम कर लेते हैं, देख लीजिए आप दोबारा से एक बार, ये रहा हमारे पास स्टार्टिंग से है, ये है, उसके बाद ये चीज़ हमने निकाली थी फॉर्मूला लगा के, ये आया था हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन थ्री और फोर थी, इसे हम लैम्स इक्वेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।